देखिए मैसेज किस कोने से है मुझे नहीं पता, परंतु मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि मैं कांग्रेस परिवार से हूँ और मेरे पिताजी फ्रीडम फाइटर रहे हैं और 40-50 साल वो कांग्रेस की इन्होंने सेवा की। 20 साल मुझे भी मौका मिला है, मैंने कांग्रेस में रहकर 10 साल में MLA रहा और 10 साल में पार्टी का काम किया और मैंने एक गांव, एक पंचायत, एक घर मैं खुद जाता था, गरीबों की बात सुनता था। परंतु मुझे ये दुख हो रहा है क्योंकि कोई ग्रुप में ये मैसेज चल रहा था कि मैं BJP ज्वाइन कर रहा हूँ, तो ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं BJP कभी भी ज्वाइन नहीं करूँगा। ना इसे मेरी आइडियोलॉजी मिलती है, ना कोई विचार मिलते हैं, तो मैं BJP को तो ज्वाइन करने वाला नहीं हूँ। कांग्रेस ही हूँ, कांग्रेस में ही रहूँगा और कांग्रेस पार्टी की सेवा करूँगा। देखिए मेरी टिकट काटी और मैंने जो हमारी प्रदेश की हाई कमांड है और दिल्ली की हाई कमांड को मैंने आवेदन किया था, परंतु मेरी जो मेरिट थी वो सबसे ज़्यादा थी क्योंकि 2 बार का विधायक तो मैं ही था और फ्रीडम फाइटर फैमिली से हूँ। पिताजी ने सारी उम्र कांग्रेस में लगाई है, तो मेरी मेरिट से ऊपर कौन था। और कांग्रेस पार्टी ने, हिमाचल हाई कमांड ने, जो भी थे इसके मेंबर थे, प्रेसिडेंट थे, वो भी थे, मेरी अनदेखी की है। और एक नौजवान तो है ही है, परंतु एक कांग्रेस की मेंबरशिप लिए हुए 1-1.5 महीना हुआ उसको टिकट थमा दी है। मैंने उनको कहा कि पहले जो आप देखिए सीनियरिटी किस आदमी की है और कौन सेवा करता है, कैसे है, परंतु मेरे जो थे बायोडाटा था उसको दरकिनार कर दिया। और ये बिल्कुल एक लड़का अभी 1 महीना हुआ था नौकरी छोड़े हुए, उसको कांग्रेस की जो थी चुरा की टिकट दी गई और उसको यहाँ का कैंडिडेट बनाया गया। तो मुझे ये अपने हाई कमांड से, हिमाचल के हाई कमांड से बहुत अपने वो था, ठीक था, परंतु मेरा इन्होंने जो क्लेम था वो नहीं किया। इससे मैं हिमाचल हाई कमांड से बहुत दुखी हूँ, परंतु मैं कांग्रेस ही हूँ, कांग्रेस में रहूँगा और कांग्रेस के प्रोटेक्ट के लिए मैं काम करूँगा।